हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में, किसके आधुनिक इतिहास के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग एमपी एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपी पूछा जा रहा है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को एमपी के आधुनिक इतिहास से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ था सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिवनी में जो सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1916 में हुआ था। कब? वर्ष 1916 में जो है सिवनी सत्याग्रह हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग के पीएससी एग्जाम व्यापम के तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिवनी में सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1916 में, आप लोग को याद रखना है। कब हुआ था? वर्ष 1916 सिवनी 16 सिवनी 16 आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सिवनी 16 1916। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों ने जो जंगल सत्याग्रह किया था ये किया था वर्ष 1930 में। कब किया था? वर्ष 1930 में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग बीच में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था सिवनी सत्याग्रह कब हुआ था 1916 में, ऐसे ही आप लोगों को बीच में क्वेश्चन करवाने के बाद पूछा जा सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कब हुआ था, देखते हैं आप लोग कितना याद कर पा सकते हैं। ठीक है, सिवनी सत्याग्रह 1916 में हुआ था, जैसे आदिवासी जंगल सत्याग्रह वर्ष 1930 में हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? जबलपुर में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1915 में। कब हुई थी? वर्ष 1915 में हुई थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके पीडीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह जबलपुर से की थी। कहाँ से? जबलपुर से। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा किस राज्य में स्थित है? आई होप सभी लोग, भावरा कहाँ पर स्थित है? स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? स्वतंत्रता से पूर्व की बात की गई है, आप लोग ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वतंत्रता से पूर्व जो है होलकर की रियासत थी। किसकी थी? होलकर का शासन था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? भोपाल राज्य जो है भारतीय राज्य में 1 जून 1949 को शामिल हुआ था। कब? 1 जून 1949। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। देखो आप लोग को 1949 केवल याद कर लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सभी ऑप्शन में 1949 दिया गया है। आप लोग को डेट भी याद रखना पड़ेगा। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य को भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी? कब से हुई थी? वर्ष 1904 से। कब हुई थी? वर्ष 1904 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है गतिविधियों की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला सवाल है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन देख लो, एमपीपीएससी 2009 में पूछा जा चुका है और व्यापम के तो बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, जेल प्रहरी, एमपीएसआई, और आप लोग को एक कोई एग्जाम अभी हुआ था एमपी सब इंजीनियर, उसमें भी पूछा गया था जहाँ तक है। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ये दौलत राव सिंधिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दौलत राव सिंधिया के द्वारा जो है ग्वालियर में जो है सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कोई जीवाजी कोई माधवराव लगा के आते हैं, जो गलत होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नीमच की छावनी में। कहाँ पर हुआ था? नीमच की छावनी में। एमपी पटवारी एग्जाम 2008 में ये पूछा गया है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, कमलाबाई या रानी अवंतीबाई? रानी अवंतीबाई जो है रानी की रामगढ़ की झांसी के नाम से उपनाम से जो है प्रसिद्ध है।
ठीक है, यानी रामगढ़ की झांसी किसको बुलाता है, रानी अवंती बाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे के ने कानपुर झांसी ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया, उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था, किसको, तात्या टोपे को। कहाँ से लड़े थे 1857 में, कानपुर झांसी ग्वालियर से, ये मानसिंह ने इनको गिरफ्तार करवा दिया था, आई होप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया है, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए किया था प्रभाकर डूंडीराज, किसने, प्रभाकर डूंडीराज, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हुई थी विदिशा से, कहाँ से हुई थी, विदिशा, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी, ये थी पंडित सुंदरलाल को, किसको, पंडित सुंदरलाल को 6 महीने की जो है सजा हो गई थी, ऑप्शन बी आप लोग को याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश नमक सत्याग्रह कब हुआ था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, वर्ष 1930 में, कब हुआ था, वर्ष 1930 में, वही ठीक है, आपका ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, वही झंडा सत्याग्रह पूछा जाए तो वर्ष 1923 हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जगह वर्ष 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी में वर्दी जो है उतारी गई थी, ए बैतूल जो हुआ था वहाँ पर आंदोलन में जो है पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई थी, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस वालों की वर्दी पूछा जाता है कहाँ पर उतारी थी, बैतूल में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाते पर कहाँ से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी, एक थी जबलपुर से, इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, आप लोग याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टारमा 2-3 VVIP क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद किया, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल पर अभी जुड़े हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। पंजाब मिल क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी गई थी, पंजाब जो मिल क्रांतिकारियों को फांसी जो है जबलपुर में दी गई थी, कहाँ पे, जबलपुर में दी गई थी, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था, इंदौर का जो है सराफा कांड वर्ष 1942 में हुआ था, कब हुआ था, सितंबर 1942 में, आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, टूरिया जो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में हुआ था उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे दुर्गा शंकर मेहता, कौन थे, दुर्गा शंकर मेहता, 1930 के जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जो थे ये थे दुर्गा शंकर मेहता, इसलिए ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था, चरण पादुका नरसंहार जो है ये फिशर किसके आदेश पर, फिशर के आदेश पर किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय सेना के सहयोग से पाटन, पाटन कहाँ पे, जबलपुर के तहसीलदार से तहसील भवन पर तिरंगा फहराया था, ये बावनियन जो 52 बटालियन है उसने तिरंगा फहराया था, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया, MPPSC एग्जाम 2016 में पूछा गया है, ये किया था गोडवाना में, रानी दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश के गोडवाना क्षेत्र में शासन किया, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो बिल्कुल मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिए जो है केसरी सिंह बारहाट जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, शंकर शाह जो संबंधित मध्य प्रदेश से हैं, सुंदरलाल बरोह छतरपुर से है, बाबूलाल जैन जो है सागर से संबंधित है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, एक क्वेश्चन 2-3 बार हो गया कि जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, टूरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, और अब पूछा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, वर्ष 1930 में ही हुआ था, कब हुआ था, वर्ष 1930 में ही हुआ था, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महान शहीद उदयचंद निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे, आई होप सभी लोगों को पता होगा मंडला से संबंधित थे, किससे, मंडला से संबंधित थे, कहाँ से, मंडला, महान शहीद उदयचंद निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे, ये मंडला से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, महू नीमच मुरार या कलापी, ये कलापी स्थित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहीद रीवा से संबंधित नहीं है? कहाँ से? रीवा से। ध्यान दीजिएगा, वीर नारायण पांडे जो हैं ये रीवा से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन? वीर नारायण पांडे, दिनेश चंद पांडे, त्रिभुवननाथ तिवारी, भैरव प्रसाद, ये सब रीवा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के अंबाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? नागपुर अंबाजी भोसले ने ये किया था वर्ष 1818 ईस्वी में। कब? वर्ष 1818 ईस्वी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंबाजी भोसले के अंग्रेजों को कहाँ पर पराजित किया था? ये किया था मुलताई बैतूल में। कहाँ पे? मुलताई बैतूल, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1842 ईस्वी में अंग्रेजों की दुरी भी संधि से नाराज होकर किसने बगावत कर दी थी? किसने की थी? ए सभी ने। किसने की थी? ए सभी। जवाहर सिंह, मधुकर शाह, दिलन शाह, ए सभी ने जो है बगावत कर दी थी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी कहे जाने वाले पंचमढ़ी का क्या नाम था? यानी पंचमढ़ी कहने जाने से पहले उसका क्या नाम था? उसको नाम पूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पूनागढ़ के नाम से जाना था। आप लोग याद रखना है, पू से पूना, पू से पंचमढ़ी, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में कब विद्रोह हुआ था? ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में जो है ये 14 जून 1857 में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 1857 में ग्वालियर के मुरार छावनी में विद्रोह हुआ था। आप लोग याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई थी? आई होप सभी लोगों को पता, पदमधर सिंह जो है उनकी जो शहादत इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर किसकी? पदमधर सिंह की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जो है देवदास गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवदास गांधी के द्वारा। कब किया गया था? आप लोग को याद रखना है, 1923 में। अगला क्वेश्चन है, मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने कब विद्रोह किया था? मंडलेश्वर में जो है क्रांतिकारी विद्रोहियों ने ये वर्ष 1942 में विद्रोह किया था। कब? वर्ष 1942 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व ये किया गया था अब्दुल जब्बार के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल जब्बार के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ प्रिंसेस को दो बार अध्यक्ष बनाने वाले नवाब हमदुल्ला खां कहाँ से संबंधित थे? मेंबर ऑफ प्रिंसेस को दो बार अध्यक्ष बनाने वाले, किसका? मेंबर ऑफ प्रिंसेस का दो बार अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? ये थे हमदुल्ला खां, जो कहाँ से थे? भोपाल से संबंधित थे। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश दो का पराजय परिचय देते हुए ग्वालियर के महाराजा के अंग्रेजों और अपने परिवार को विद्रोह से बचाने के लिए कहाँ भेजा था? ये भेजा था आगरा। कहाँ पे? आगरा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र को किस तिथि को फांसी दी गई थी? रानी दुर्गावती के जो वंशज शंकर शाह, उनके पुत्र को किस दिन फांसी दी गई थी? ये 18 सितंबर 1857 को। कब? 18 सितंबर 1857 को जो है फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 में जो है यह रतलाम में की गई थी। कहाँ पे? रतलाम में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि स्त्री सेवा दल की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग याद रखना रतलाम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में किस राज्य की पीड़िता जनता का मुद्दा उठा था? ये धार की जो है पीड़ित जनता का मुद्दा उठा था, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले कौन कौन मध्य भारत का नहीं था? ये सुरेंद्र नाथ जो है मध्य भारत के संबंधित नहीं थे, ठीक है। बापूरा अब्दुल अजीज दाकिना खेड़े जो है ये मध्य भारत से संबंधित थे। 52 बटालियन जो भारतीय सेना के सूबेदार का नाम क्या था जिसने अपने भाषण में स्वाधीनता का उद्घोषण किया था? 52 बटालियन का जो नेतृत्व करता था, सूबेदार था, उनका नाम था बलदेव तिवारी। कौन था? बलदेव तिवारी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 बटालियन ने ही अपने तहसील पर झंडा फहराया था, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्रामियों के विद्रोह के कारण इंदौर से भागकर किस कर्नल ने सीहोर में शरण ली जिसे भोपाल की बेगम सिकंदर ने सहायता प्रदान की थी? ड्यूरेंड। किसकी? ड्यूरेंड की जो है इंदौर से भागकर कहां पे सीहोर में शरण ली थी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने फिरोज शाह के नाम से
बलयाती, मेवाती तथा सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों का सहयोग लेकर कहाँ पर शासन संभाला था? यह मंदसौर में शासन संभाला था। कहाँ पे? मंदसौर, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तत्ता टोपे किस अंग्रेज अधिकारी से 6 दिसंबर 1857 को पराजित हुए थे? तत्ता टोपे जो है सर कोलिन कॉम्प्रेवेल, ठीक है, ऑप्शन ए आप सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल के मध्य प्रदेश के किस नगर की 2 बार यात्रा की थी? VVIP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद जो है मध्य प्रदेश की खंडवा में, खंडवा की 2 बार यात्रा की थी, किसकी? खंडवा की, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 1916 को लोकमान्य तिलक ने मध्य प्रदेश के किस नगर में आए और आम सभा को संबोधित किया था? किसको किया था? ये किया था खंडवा और बुरहानपुर दोनों को, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा किस वर्ष में की थी? महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा जो है वर्ष 1921 में की थी। कब हुई थी? वर्ष 1921 में, आप लोग जाना गांधी जी खंडवा, खंडवा की यात्रा वर्ष 1921 में। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई एवं तत्ता टोपे की सम्मिलित सेना 22 मई 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध हुआ? ये जनरल यूरोज से हुआ था। किससे? जनरल यूरोज से, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के संगठित सेना के किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? ये भीमा नायक के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया था। आदिवासी के जो संगठित सेना थी वो ये भीमा नायक के जो नेतृत्व में जो है ये विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के युद्ध में रानी झलकारी बाई ने किसके सहयोगी के रूप में कार्य किया था? ये किया था रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के रूप में। किसके? रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई का 20 मार्च 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ था? यह हुआ था वार्डन से। किसी? वार्डन से हुआ था, आप लोग को याद रखना है। सॉरी, अंजुमन खुदामे वतन की स्थापना किन किन नेताओं का योगदान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी आप लोग का दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से नेता भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना से नहीं जुड़ा है? जब भोपाल में हिंदू राज्य सभा की स्थापना हुई थी उससे कौन सा नेता नहीं जुड़ा हुआ है? जो ऑप्शन डी आप लोग का, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो है ये हिंदू सभा स्थापना से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ आर्य समाज की शाखा खोली थी? कहाँ पे? खंडवा में। कहाँ पे? खंडवा में, आप लोग रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का राज्य उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किसने किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? कहाँ पे? सिवनी में। पर्टिकुलर नाम पूछा गया, आप लोग ध्यान, इसको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ये दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा जो है सिवनी पर, गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया गया था, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिवनी जेल में भारत का कौन सा नेता बंदी नहीं रहा था? ये पंडित नेहरू जो है यहाँ पे बंदी नहीं रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, शरद चंद्र बोस जो है यहाँ पे बंदी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस नेता की अध्यक्षता में भोपाल में अखिल भारतीय देश की राज्यलोक परिषद की स्थापना हुई थी? ये हुई थी पंडित नेहरू की। इसकी? पंडित नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के महाराजा ने वर्ष 1940 में किस 3 वर्ष के लिए ग्राम कल्याण स्थानीय शासन विभाग की प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था? किसे? तखमल जैन को। किसको? तखमल जैन, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन जो है नागपुर हुआ था। कहां पे? नागपुर, 1851 में, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर रमन सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहां पर किया था? एक किया था रीवा में, आई होप सभी लोग बता हुआ था। कहां पे हुआ था? रीवा में ठाकुर रमन सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, 1899 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश किस नेता ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग रखी थी? ये हरि सिंह गौर, ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, आप लोग बता रखना है। कब हुआ था? वर्ष 1923 में। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1923 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1889 का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जबलपुर में। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था, किसने शहादत खान ने, किसने किया था, शहादत खान ने संघर्ष किया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को पादुका नरसंहार के नाम से मध्य प्रदेश में जाना था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पादुका नरसंहार को ही मध्य प्रदेश जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के त्रिपुर सम्मेलन 1939 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में टंट्या भील ने कहाँ से की विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये किया था आप लोग के कहाँ के, खरगोन का, कहाँ के, खरगोन। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीमच छावनी के विद्रोह को किसने दबाया था, ये कर्नल शिव सोबर्स जो है ये यहाँ के जो है नीमच की छावनी का विद्रोह था उसको दबाया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेजों ने मराठाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कहाँ छावनी स्थापित नहीं की थी, ए थी नीमच में। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस मंदिर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिरों की तर्ज पर प्रवेश करना होगा, आई राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पशुपतिनाथ मंदिर पर। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नीमच छावनी के विद्रोह को किसने दबाया था, जो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन सी ए आप लोग का कर्नल सी सोवर्स। अंग्रेजों ने मराठा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कहाँ पर छावनी स्थापित नहीं की थी, ये नहीं की थी नीमच पर। ध्यान दीजिएगा, ये सागर महू और पन्ना में जो है स्थापित की थी। ये तो हो गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने निम्न में से कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, ये जबलपुर में प्राप्त है। कहाँ पे, जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का जेलखाना बताया था, राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। क्या होगा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है किसने वर्ष 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था, राइट आंसर होगा गंगाधर चिटनिस। किसने, गंगाधर चिटनिस, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी, क्रांतिकारी दल की स्थापना जबलपुर में की गई थी। कहाँ पे, जबलपुर में की गई थी, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था, सेंधवा में भीमा नायक के जो है नेतृत्व में जो है आदिवासियों ने विद्रोह किया, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1938 में हुई थी। कब, वर्ष 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद के किसके दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन किया था, राइट आंसर होगा पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। किसके नाम से, पंडित हरिशंकर दूसरे नाम से किया था, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। अगला क्वेश्चन है भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी, ये डाली थी मास्टर लाल सिंह ने। किसने डाली थी, मास्टर लाल सिंह ने जो है भोपाल में राज्य में हिंदू सभा की नींव डाली थी। देखो एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किन किन विश्वविद्यालयों ने भारतीय इतिहास संस्कृति विभाग उत्खनन एवं सर्वेक्षण कार्य में केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग किया है, ये होगा राइट आंसर होगा उज्जैन और सागर। किसने, उज्जैन और सागर, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 84 क्वेश्चन जो आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोग को यह वीडियो को इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।